बिल्कुल ऐसा करेंगे तुमको आप देखें कौन कर रहा है इसको आप अनुशासन मिला नहीं मुझे 20 सेकंड अगर अनइंटरप्टेड बोलने दिया गया हो तो मैं दर्शकों का चैनल है हर हिंदुस्तानी का चैनल इसीलिए हमारे चैनल का हमारे मंच पर राष्ट्र की बात में हर आवाज के लिए जगह है बराबर की जगह इसीलिए हम भेदभाव ना करते हैं और ना किसी को करने देते हैं लेकिन हमें प्लीज फेयरनेस का पाठ पढ़ाने से पहले खुद आप फेयर होकर प्लीज इस डिबेट में पार्टिसिपेट प्लीज एक बार फिर से हम शुरू करेंगे और एक बार अब आप देख रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं एक मिनट टाइम मिलेगा बाकी पार्टिसिपेंट्स डिस्टर्ब नहीं करेंगे और सबको एक एक मिनट देंगे हम आगे बढ़ेंगे और सब इस पर सहमत है जो सहमत होने के बाद वादा तोड़ेगा वो वादा खिलाफी करेगा ठीक है ओके एक मिनट आपके शुरू होते हैं अब उसके बाद इन्होंने ही कहा था मेरी तरफ से बोल सकते हैं हमारे बड़े भाई ऑन कर दीजिए माइक ऑन कर दीजिए हेलो देखिए अभी करप्शन के विषय में बात हो रही है मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि सूती कपड़े पहन के देश को कैसे लूटना है वो किसी से सीखना है तो सोनिया जी और राहुल जी से सीखा क्या ये सच नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर है बस जेल से सूत भर दूर है इतनी दूरी में खड़े हैं जेल से बेल पे जो लोग बाहर है वो यहाँ आके हम लोगों को करप्शन पे बात पढ़ा रहे हैं और कितने के कबल के लिए 5,000 करोड़ रुपए आपके लूटे हैं सोनिया जी और राहुल गांधी और आज हमें ये सिखा रहे हैं कि करप्शन कैसे रोकना है 12 से 14 लाख करोड़ रुपए देश का इन्होंने अनेकों स्कैम के माध्यम से लूटा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा काले धन के ऊपर आप SIT बनाइए 3 वर्षों तक चिदंबरम मना करते रहे और आज चिदंबरम का बेटा कैसे करता है ये क्या होता है ये बाहुबली किस बात का जेल में जा रहे हो और ये बाहुबली बन रहे हो अरे भैया भ्रष्टाचार करके कुछ शिष्टाचार भी रखना चाहिए भ्रष्टाचार करके बाहुबली बनने की कोशिश इन्होंने चिदंबरम जी का नाम लिया उनके सुपुत्र को अभी अभी बेल मिली और जो फटकार दी है कोर्ट में आज इनके इन लोगों को वो अभी जाएंगे यहाँ से तो न्यूज में चलिए छोड़िए बात सूट कूट पहनकर लूटने वाले हमें भाषण दे रहे हैं लूटने का कड़ी बात थे इनके अध्यक्ष पार्टी के अध्यक्ष कड़ी बात उनको मैं नहीं बोल रहा अदालतों ने कहा था ये हमें भाषण देंगे नैतिकता का एक के बाद एक लोगों को भगा दिया विजय माल्या किस मंत्री से मिलने गए थे सुबह सुबह जल्दी दिल्ली छोड़कर हिंदुस्तान छोड़कर खा गए अरुण जेटली जी की बेटी वकालत करती है रिटेनर किस किस कंपनी की थी नीरव मोदी मेहुल चौकसी पूछिए इनसे मंत्री वित्त मंत्री की बेटी तो नीरव मोदी को भी किसी ने तो बता दिया होगा कान में कि भैया भाग जाइए शुरू होने वाला है कुछ कुछ ये वो सरकार है मुंह में राम चोरी ही चोरी चोरी ही चोरी नहीं अभी नहीं हुआ है 40 सेकंड हुआ है मैंने अलार्म लगा रखा है छोड़िए बीच में मैंने ही बोला था आप ही मत चलिए और ये प्रोग्राम का नाम है राष्ट्र की बात हम भी तो यही निवेदन कर रहे हैं साहब राष्ट्र की बात करिए ये लोग धर्म में भी धर्म निकाल लेते हैं कि नकली हिंदू है कि असली हिंदू है सर्टिफिकेट बांटने का ठेका ले रखा है और जाति में जाति निकाल लेते हैं गुजर में क्या बड़े गुजर भी होता है और फिर कहते हैं ये सोशल इंजीनियरिंग है राजनीति करते हैं क्योंकि वो देश को धर्म और जाति के नाम पे इतना बांट हो गए
ये भली बात ही समझ रहे हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। और अभी तक आपको जो देता है 2014 से पहले क्या स्थिति थी देश की, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। करप्शन में डूबा हुआ देश था, कहीं पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसकी देश की इज्जत नहीं बच पा रही थी और बड़ा निराशा का माहौल था। ऐसे में एक शख्स मोदी जी के तरह आया, मोदी जी आए खुद और उन्होंने एक देश को विजन दिया और यूथ ने पूरी तरीके से उनके सम्मान के साथ उनके बातों पर यकीन करते उनको वोट दिया। अब ये विपक्ष क्या कर रही है कि 4 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने साथियों से विपक्ष के कि मोदी जी ने जितने काम किए हैं वो गिना गिना के उनके मिनिस्टर हर स्टेट में जाते हैं, नॉर्थ स्टेट में हर 15 दिन जाते थे और अब तो उन्होंने हक दी इस बात की कि प्रधानमंत्री जी को खुद प्रेजेंटेशन देना पड़ रहा है। क्या क्या काम उनकी सरकार ने किए, गरीबों के लिए कितना काम किया, वो दिखाते टेलीविजन पे के कैसे गैस एक गरीब महिला को नहीं मिलती थी, वो लकड़ियों से जो जलाया करती थी अब उसको गैस मिलती है। ये जो एनपीए की बात हो रही है कि नीरज मोदी पैसे लेके बांट गया, इससे पहले कांग्रेस की सरकार में ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि ये बैंक बताते ही नहीं थे कि कितने लोगों के पास कितने लाख का कर्ज है और एनपीए डिक्लेयर नहीं होते थे। ये कानून इसी सरकार ने बनाया, उन्होंने कहा ना हम इस बात से नहीं डरेंगे कि कितनी फिगर है, लेकिन बैंक का एक एक चीज बाहर आना चाहिए और इसी एक सेकंड भी और इसी के चलते हुए कि नोटबंदी आया और नोटबंदी से क्या हुआ, एक एक आदमी के पास बैंक के पास इस वक्त एक एक पैसे का रिकॉर्ड है, कितना पैसा व्हाइट का है, किसके पास कितना पैसा है, कितनी बिजनेस तरक्की कर रही है। तो मोदी जी को सिवाय कंडेम करने के, सिवाय शोर मचाने के, इनके पास कोई चारा नहीं बचा है और विपक्ष की एकता की जहां तक बात है, आपने देखा होगा विपक्ष की एकता के प्रयोग हुए, विरोध हुए और उस प्रयोग का रिजल्ट क्या निकला, बोलिए ना। बोले अच्छा है मुझे मौका नहीं मिल रहा बोलने का, मैं आपके खिलाफ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, हो सकता है 2019 में आपके साथ गिराना पड़े। देखिए इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते, ये मजाक नहीं हो रहा, स्वागत है आपका, चैनल है पूरे देश इसको देखता है, ये बच्चों को आप क्या सीख देना चाहते हैं, इस तरह से जिंदगी के साथ क्या देना चाहते हैं। आपके साथ भी वो दिन दूर नहीं है, आपको भी वही रास्ता दिखाएंगे जो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू, कोई रास्ता नहीं दिखा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, नेता का नाम है रामविलास पासवान है और आज तक 45 साल की हमारे साथ भी थे, एक भी चार्ज हमारे खिलाफ करप्शन, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है अपने नेता को अच्छा नहीं लगेगा आपके लिए, अच्छा नहीं है अपने नेता को भ्रष्ट करना। ये माइक बंद क्यों करते हैं आप, समझ नहीं क्यों करना, जब चुप नहीं होता पैनलिस्ट को, बहुत चुप नहीं हो रहा था, हमारे दर्शक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, का पेट नहीं भरता, लाओ और लाओ जितना लाओ, उनका भी ले लो, उनका भी ले लो, फिर कह अरे भैया मेरा बंद है, मेरा नहीं चल रहा, अभी तो आप इनको बोल रहे थे कि 40 सेकंड हो गया और 40 सेकंड दे दीजिए, चलिए चलिए, पेट हाथी का नहीं भरता है बाकी सबका भरता है। दूसरी बात आप सुन लीजिए, देखिए बंधुओं 2014 से पहले इतने बड़े देश में 70% जनता बैंक जो इंक्लूजन होता है बैंक अकाउंट से बाहर थी, 2014 के बाद इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाया गया। मैं एक सवाल पूछता हूं, इतने वर्षों तक इतने बड़े देश में
इतने बड़े तादाद में लोग बैंक इंक्लूजन से बाहर क्यों रहे? नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात इतने बड़े प्रतिशत में लोग बैंक इंक्लूजन में आए। 6 करोड़ लोगों तक किस प्रकार से उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर पहुंचा रहा है भाइयों बहनों, हमारे लिए शायद एक सिलेंडर एक टॉयलेट महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। हमारे गांव में एक महिला उसके घर में टॉयलेट और उसके घर में सिलेंडर कितना महत्वपूर्ण है, आप उस माँ से जाके उस बहन से जाके पूछिए। तीसरी बात में छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जब हम 2014 में सरकार में आए, भारत नेट के माध्यम से जो 2011 में चालू हुआ था फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया जा रहा था, जब हम सरकार में आए तो 2014 तक मात्र 59 ग्राम पंचायत तक ये फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाए गए थे। आज जानते हैं मेरे साथियों कितने गांव तक पहुंचा है? 2 लाख गांव तक। 4 वर्षों में 2 लाख गांव तक ये पहुंचा है। क्या चाहिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को प्रमोशन चाहिए या गांव गरीब मजदूर मजनून इनको आगे बढ़ाना है? राज्यसभा चुनाव पर हम बात कर रहे हैं, अगर आप बीजेपी को फूलपुर में और गोरखपुर में आपने राज्यसभा चुनाव में अगर आप नहीं हरा पाए मिलकर भी, तो मान लेंगे आपका और बीएसपी का गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहा। देखिए हमारा गठबंधन पक्का है, वो भारतीय जनता पार्टी सपना देखती है। मैं इनका बता दूं, ये जब भी बात करेंगे 2014 के पहले की, जब 2014 के पहले कुछ गड़बड़ था तब शायद आपको पब्लिक ने बहुमत दिया था कि आप 2014 के बाद अच्छा करोगे, 2014 के बाद की बात कुछ नहीं बताएंगे। 2014 से 18 तक आपने क्या किया इसका कोई हिसाब इनके पास नहीं है। और वो जो बैठे हैं लोग रामविलास पासवान पार्टी के नेता पासवान साहब यूपी में भी मंत्री थे तो भ्रष्ट थे इनके इनके मुताबिक। चलिए तो आपके मंत्री हर सरकार में फिट हो जाते हैं, अब वो जो सरकार बदलती हो जाते हैं। जहां तक मोदी जी का बात है, आपने भी तो माना बदला है, आपने भी तो बीएसपी से हाथ मिलाया। मैंने अरे हम लोगों ने गठबंधन हाथ मिलाना अलग चीज होती है, पार्टी में जाके सरकार बनाना अलग चीज होती है। नहीं नहीं हम लोग इश्यू में सुन लीजिए, इनका क्या नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया और इनके हमारे पीएम के साथ फोटो होती है, आप उसकी जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार हो। अगर हमारे थाने में कोई यादव पोस्ट होता था तो आप कहते थे यादव अखिलेश जी का रिश्तेदार होगा, तो क्या मोदी का रिश्तेदार नहीं होगा? यादव सब यादव का रिश्तेदार हो सकता है, तो क्या जितने मोदी हैं क्या मोदी का रिश्तेदार नहीं होगा? आप नारायण सिंह यादव बोल रहे थे, अब कोरोना से गलती हो गई है, रेप भी तो क्या है, देखो ये सारे छोड़ो यार, आप तो सीधा बोल रहे हैं मगर बड़े बड़े बात है उनका विषय भी जरा सा बोल रहे हैं, ये गलत बात है, समय में तो जीवन आता छोड़े बोलो क्या, जो किसी का हाथ छीनते हैं ये हाथ छीनते हैं, इन्होंने बेरोजगारों का हाथ छीना, इन्होंने महिलाओं का हाथ छीना, इन्होंने दलितों का हाथ छीना, इन्होंने किसानों का हाथ छीना, इन्होंने माफ के 1 रुपया छीना। मुझे बोलोगे तो 2014 आप आज की बात नहीं करते, 2014 के पहले की बात करते हैं। मैं एक सेकंड, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे हमारे नेता सबके नेता, जो अतीत की बात करे समझो अपनी नाकामी की बात करे, फिर भी अतीत की बात करे 2014 की नाकामी। हो गया इतना देर का पक्ष सरकार तो साइकिल ठीक हो जाता, पता है ऐसा बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा ये वाजपेयी जी को मिला है और आरोप आपको लगा था, इसलिए मैं आपको क्लोजिंग कमेंट देखिए जहां तक इनकी आज थोड़ा बता दीजिए, ये मौसम वैज्ञानिक है क्या आपके नेता, इनको पता लग जाता है कि सत्ता किसके पास है? राजनीति में अगर आपका विजन नहीं होगा तो आप कभी देश की सेवा नहीं कर सकते, नंबर 1। और राजनीति में सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। अगर आप मुस्लिम समाज के साथ, अखिलियत के साथ, दलित के साथ अगर खड़े नहीं होंगे, बिल्कुल सही, कभी तरक्की, बीजेपी नहीं खड़ी होती है, बोलो आप इनके साथ हो, इसीलिए चाहे हम यूपीए में रहे हो, याद करिए मोदी जी के खिलाफ हमने, लेकिन जब हमको तथ्यों का पता चला तो हमने उसको वापस भी लिया। इसी तरह कांग्रेस के साथ हम रहे, कांग्रेस के जब करप्शन के आज के वक्त में मोदी जी से बढ़िया कोई
अच्छा नेता नहीं है, बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के प्रवक्ता के वाजपेयी जी को ऐसा लगता है इस बार भी सियासी मौसम आपको अच्छा नहीं लगेगा? हाँ ट्राई पोर्ट में जब हाथ लगा उसके बाद।